तो तुम अब मुझसे बातें भी छुपाना शुरू हो गए हो। क्या छुपाया मैंने? कुछ कौन है वो लड़की जिसके बारे में आंटी को बता रहे थे? तो नहीं यार, बस हवा की झोंके की तरह आई और गायब भी हो गई। तुम्हें पसंद आई थी? हाँ, अच्छी थी, मासूम सी। बहुत ज्यादा किरण की झलक आ रही थी उसमें। बहुत खुशकिस्मत है वो लड़की, तुम्हें अपनी एक झलक दिखाकर तुम्हारे ख्यालों में। और मुझे देखो, हर वक्त अपनी मोहब्बत का इतराफ करती हूँ और तुम हो के मेरे बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। मैम प्लीज, अब दोबारा से ना शुरू हो जाना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कितनी कीमती है। लेकिन हर मोहब्बत का मकाम शादी तो नहीं होता ना। And I'm sure of one thing, you deserve a way better guy than me. Yes, सिर्फ तुम्हें ही deserve नहीं करती। भी सोचते होगे ना कितनी बेशर्म लड़की है, हर वक्त reject करता हूँ और फिर अपनी मोहब्बत का इतराफ करने चली आती है। Exactly. मजाक करो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। सारिम, तुम्हारा यही मसला है कि तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं। अरे माँ, मैं मजाक कर रहा था यार। फोन करो जरा, रूमी को पहुंचे नहीं अभी तक ये लोग। अच्छा, मैं एक मिनट अभी करता हूँ। पप्पू आ गए, पप्पू आ गए। हाँ, रूमी आ गई। पप्पू आ गए, पप्पू आ गए। आया मेरे दोस्त, मिस किया पप्पू को। अपने हाथों से फ्रेश जूस बनाया, ये पियो तो। थैंक यू सो मच भाभी। बेटा देख, बस तुम रेस्ट करो, टेक लगाओ, पीछे टेक लगाओ, चलो आराम से बैठो। चाहिए बताओ, तुम्हें आहिल तंग तो बहुत करता होगा। नहीं अम्मी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बिल्कुल तंग नहीं करता। रूमी, मैंने तुम्हारा सामान कमरे में रखवा दिया है और तुम्हें तुम्हारा कमरा देख के ना अच्छा लगेगा। मैंने दरअसल थोड़ी सेटिंग चेंज की है उसकी। और हाँ, तुम्हारे लिए देसी मुर्गी का सूप भी बनाया मैंने, तुम्हें खाने के बाद पिलाऊंगी। भाभी, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? मेरा अपना ही घर है। ये कैसे हो सकता है? मेरी नन पहली बार अपने बच्चे के साथ इस घर में आई है, नाज नखरे तो उठाने पड़ेंगे। मोहब्बत है आपकी बाबू,